हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज फाइनली हम अपने पत्थर को चेंज करने जा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से मैंने वही पत्थर को यूज किया है जो मैंने पहले यूज किया था। दोस्तों, इस पत्थर का यूज करने का मकसद एक ही है। दोस्तों, मैं आप लोग को इसकी विशेषताएँ बताऊँगा कि आखिरकार इस पत्थर में ऐसा क्या खास है जो कि मैं इसे बार बार लगाता हूँ। दोस्तों, मैंने कई सारे पत्थर यूज किए हैं बट मुझे इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इसलिए मैंने इसको लगातार यूज कर रहा हूं दोस्तों। बट मैं चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो इसकी विशेषताएं थोड़ी जान लीजिए। बहुत ही अच्छी पत्थर है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पत्थर है वो अन्नपूर्णा कंपनी की है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के स्क्रीन में। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये अन्नपूर्णा कंपनी नाम से आती है दोस्तों। इस पत्थर की विशेषताएं ये है दोस्तों कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अदर पत्थरों के अपेक्षा इसमें कम घिसावट होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो अदर पत्थरों के अपेक्षा काफ़ी कम ज़्यादा घिसावट देखने को मिलती है, जो कि मैंने देखा है दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अदर कोई भी काम करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमें एक चक्की है, तो एक चक्की में मैं कई सारे काम करता हूँ, पिसाई नहीं दर्राई और भी कई तरह के काम करता हूँ उसमें। तो आप लोग को पता होगा, अगर सिंगल चक्की रहती है तो उसके साथ साथ आप लोग को पत्थर लगाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी की ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सारा काम कर पाएँ। कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऐसे भी पत्थर होते हैं जिसे पिसाई करोगे तो ठीक है, बट कोई तरह की दर्रा वगैरह, यानी कि ये समझ लीजिए हमारी घिसावट ज़्यादातर देखने को मिलती है चावल में, तो चावल वगैरह का काम कर दीजिएगा तो ऐसा क्या होता है कि हमारी पिसाई ही नहीं सही पे दे पाती है, जैसे हमारा सेटिंग ही बिगड़ जाता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी एकदम मैदे क्वालिटी में नहीं दे पाती है दोस्तों। तो इसमें ये विशेषताएं देखने को मिलती है हमें कि कभी भी हम कोई भी काम करते हैं बट मेरा सेटिंग कोई भी गड़बड़ नहीं होता है, जैसे का तैसा रहता है दोस्तों। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था काइंड मास्टर का पत्थर, जो कि आप लोगों को बताया था ब्लैक पत्थर आता है और उसमें आप लोगों को काला पत्थर भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, वो पत्थर को मैंने यूज किया तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वो भी ज़्यादा घिसता नहीं था, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था पत्थर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं उसमें कोई तरह का अलग कोई काम कर लेता था, जैसे दर्रा वगैरह दलिया वगैरह बना लेता था, तो उसका थोड़ा सेटिंग बिगड़ जाती थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये दिक्कतें हो जाती थी कि मैं उसमें पिसाई नहीं कर पाता था, पिसाई करने के लिए थोड़ा फिर हमें घिसना पड़ता था पत्थर को, फिर हमें अच्छे क्वालिटी पिसाई मिल पाती थी, फिर पिसते पिसते करीबन 50 केजी तक पिसाई अच्छी हो पाती थी, उसके बाद ही सही से दे पाता था पिसाई। तो ये सारी दिक्कतें होती थी, जबकि मेरा ये पत्थर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पत्थर की एक क्वालिटी सबसे बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिलता है कि घिसावट थोड़ा कम देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने बेलन सापट भी, अपना बेलन जो सापट होता है उसको भी एक्सचेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का क्या रीज़न है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा जो बेलन सापट था दोस्तों, मैंने उसको दो दो बार यूज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, कई लोग एक बार से यूज करते हैं फिर दूसरे पट्टी लगा के दूसरे बार यूज करते हैं, बट मैंने दो दो बार यानी कि चार बार उसे यूज कर लिया। चार बार यूज होने के दोस्तों, इसका कारण ये बना कि उसमें ज़्यादा गड्ढा हो गया और गड्ढे के साथ साथ दोस्तों उसमें काफ़ी सारा दिक्कत हुआ और बैरिंग भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर दे रही थी। बट इस बार मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने स्टील का मंगाया है और स्टील का लगा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्टील का क्या होता है कि इसकी घिसावट कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए मैंने स्टील का कवर लिया है। थोड़ा महंगा लगा है लोहे की अपेक्षा, बट मेरा इसमें देखा जाए तो अच्छी रिजल्ट मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये स्टील का है और स्टील वाला आपको भी पता है कि जल्दी घिसावट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने स्टील वाला लोहा बेलन लगाया है दोस्तों। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है और आगे चल के मैं आप लोग को भी बताऊँगा कि ऐसा क्या इसमें विशेष है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी बेलना को यूज करते हो अपने लोहे वाले, तो उसे आप स्टील में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्टील वाले अब मार्केट में आ चुके हैं तो आप स्टील वाले लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इसकी सेटिंग की अगर वीडियो आपको चाहिए तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप पूरी वीडियो को देख सकते हो जाके किस तरह से पत्थर की सेटिंग किया जाता है। बट आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पत्थर पे वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हो दोस्तों।